देश भर में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा चल रही है। कई राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू करने को तैयारियां कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर SFI ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें नई शिक्षा नीति की खामियों को लेकर छात्रों को बताया गया व इसके खिलाफ देश भर में मुहिम छोड़ने का आह्वान किया गया। SFI के महासचिव म्यूक विश्वास ने बताया कि नई शिक्षा नीति में कई तरह की खामियां हैं। सरकार जबरन नई शिक्षा नीति को देश के बच्चों पर थोपने जा रही है। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति छात्र विरोधी है। ये जो नया शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति शिक्षा के आंगन से बाहर कर रहा है स्टूडेंट्स को। ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं जहाँ इसका असर के त्रिपुरा में, कर्नाटक, ये बाकी जगह में ये लोग कर रहे हैं। एक जगह तो ये है निजीकरण, शिक्षा में जो निजीकरण हो रहा है। दूसरी तरीके से ये शिक्षा में स्टेट का जो हिस्सा था ये कुछ भी नहीं रहेगा। अभी जो भी ठीक होगा दिल्ली से ठीक करेगा सरकार, फिर उसके बाद ये शिमला का सरकार का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। और इसके साथ जिस तरीके से निजीकरण बढ़ेगा शिक्षा के अंदर, फीस बढ़ोतरी होगा, सीट कम हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये यूनिवर्सिटी में, इसके माध्यम से शिक्षक से ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हो जाएगा। और ये ऑनलाइन एजुकेशन के नाम में जो तमाशा चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन में भी देखा, और ये जो नया शिक्षा नीति यही सवाल कर रहा है, ये इसके माध्यम से शिक्षा को ख़त्म किया जाएगा और जो बुनियादी जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगा। और लास्टली सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट भयंकर जो चीज़ है, ये जो शिक्षा में जो भगवाकरण, जिस तरीके से इतिहास को बदल रहा है, ये जो नया शिक्षा नीति टेक्स्ट बुक बदल रहे हैं, ये एक भयंकर है हमारा देश के लिए। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।